सिद्रा, आपने ओएमसी में एक केस पकड़ा, बड़ा हीनियस केस था। रमजान था और तकरीबन मगरिब का टाइम था, 5 बज के समथिंग कुछ टाइम था। मुझे यही लगा कि ये शायद किसी का वेट कर रहे हैं। आपकी गाड़ी में कोई चीज़ ड्रॉप होती है आपके हाथ से, तो आप ये आप ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकी है कि आप गाड़ी की लाइट ऑन करेंगे और उसके बाद नीचे कोई चीज़ तलाश करेंगे। कि जब आपने कुछ गलत किया होता है ना, आपके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। सिद्रा, हर बार पीसी ऑफ द मंथ बनती हैं, मतलब एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन रही होती हैं आप, तो किस तरह करती हैं मैनेज? कंपटीशन तो बहुत टफ होता है। हम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है, एप्रिसिएशन मिलती है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट रिमशा आवान, और मैं हूँ मोहम्मद फाइक। इस दुआ के साथ कि खुदा अपनी रहमतें भी पाया से आपका दामन उम्मीद भर दे, और इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरे। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर मौजूद हैं, जो कि जिस डिपार्टमेंट में भी जाती हैं तहलका मचा देती हैं और अपनी जो है कामयाबी के झंडे गाड़ देती हैं। पुकार 15 की इंचार्ज रही हैं सियालकोट में, और वहाँ पे भी जितनी देर भी वो जितने टेन्योर में भी उन्होंने काम किया है, हर महीने जो है वो पीसी ऑफ द मंथ, मतलब बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनती रही हैं। काफ़ी सर्टिफिकेट भी हासिल किए हैं, और इसके अलावा जब यहाँ पर सेफ सिटी के हेडक्वार्टर्स में आई हैं, यहाँ पर भी जिस डिपार्टमेंट में भी जाती हैं वहाँ पर एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनती है। तो उनसे पूछते हैं कि वो क्या खाती हैं, थकती नहीं है क्या वो हर और बारी? तो रिमशा, वो साइकिलिंग बहुत अच्छी करती है। वो भी उनसे पूछेंगे कि वो साइकिलिंग किस तरह से करती है, उनकी अचीवमेंट्स के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सिद्रा इकराम इलाही, उनको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। सिद्रा, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूं, दोनों का शुक्रिया अदा करूंगी। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा। हर कोई हर अपनी जिम्मेदारियां अदा करता है हर डिपार्टमेंट में, जैसे हम करते हैं घर में, करते हैं बाहर, करते हैं जहां पर भी हम हैं। बींग अ फीमेल, बींग अ मदर, बींग अ सिस्टर, हम जिस भी फेज़ में होते हैं हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जो है वो पूरा कर रहे होते हैं। बिल्कुल। और जब आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप अप्रिशिएट करते हो तो उसे मोटिवेशन मिलती है कि नेक्स्ट उसने फर्दर इसको कंटिन्यू कैसे करना है। right. तो इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं बाकियों को भी ये मोटिवेशन दे सकूं। बहुत शुक्रिया सिद्रा। सिद्रा, ये मुझे बताएं कि आपने पंजाब पुलिस को क्यों ज्वाइन किया? पता है कि यहाँ पे 24/7 ड्यूटी होती है, बहुत टफ रूटीन है, फिर भी आप पंजाब पुलिस में आई, किसका शौक था? एक्चुअली मेरे फादर ने आर्मी ज्वाइन की थी, तो कुछ फैमिली रीजन की वजह से उन्हें वो स्किप करना पड़ी, तो मुझे फोर्सेज का शौक उन्हीं से पैदा हुआ था। मेरा भी शौक था कि मैं भी किसी एजेंसी में काम करूं, किसी सिक्योरिटी एजेंसी में काम करूं, लाइक पंजाब पुलिस या बाकी हमारे जितने भी डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उसमें काम करूं, और लोगों को जितना भी मुझसे हो सके मैं उनको फ़ायदा पहुंचाऊं। सिद्रा, हर बार पीसी ऑफ द मंथ बनती हैं, मतलब एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बन रही होती हैं आप, तो किस तरह करती हैं मैनेज? कॉम्पिटिशन तो बहुत टफ होता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जो काम कर रही हैं उसमें आप लॉयल हैं। लेकिन सिद्रा, हर डिपार्टमेंट में आप पीसी ऑफ द मंथ बन जाती हैं, किस तरह से बनती हैं ये बताएं हमें, राज क्या है इसके पीछे? कि काम तो करना ही है, हर डिपार्टमेंट में हमें काम करना ही पड़ता है। लेकिन जब आप काम करते हैं और आपके काम को सराहा जाता है, ठीक है, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में हम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है, अप्रिसिएशन मिलती है, तो मुझे अच्छा फील होता है। सिद्रा, कभी किसी ने आपको डीमोटिवेट नहीं किया कि आप क्यों इतनी मेहनत करती हैं? मेरे मोस्टली फ्रेंड्स मुझे वजीरे सेहत भी बोलते हैं। अच्छा। क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी सी ऐसी है, तो वो यही कहते हैं कि आप इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों करती हैं कि आप जो है ना बाद में खुद भी बीमार हो जाती हैं। लाइक वो इस तरह के क्वेश्चन करते हैं, मेरी स्पोर्ट में भी बोलते हैं, लाइक उन्हें मुझसे वो थोड़ा लगाव है या मोहब्बत है उनकी, जो वो मुझे ऐसे कहते हैं। लेकिन जब मेरा यही मानना है कि जब आप घर से आ गए हो, आपने काम करना है, तो डेट्स इट, आपको करना है। बिल्कुल। और जब मैं सियालकोट में रही हूँ, सियालकोट में मेरी सबसे ज़्यादा मोटिवेशन जो थी वहाँ के DPO साहब थे, मुस्तनसर फिरोज साहब, वो एक चीज़ बड़ी प्यारी कहते होते थे। वो कहते थे कि अगर किसी के घर में कोई भी इमरजेंसी हुई है, हमारे घर में भी तो हो सकती है, जो सबसे पहला हमारे माइंड में आता है वो यही आता है कि हमें 15 पे कॉल करनी है, 15 पे कॉल करनी है। उनका वो एक होप होती है, 15 जो है उनकी एक होप है। अगर हमने वहाँ पे उनको सपोर्ट नहीं किया, जो उनके ऊपर कंडीशन गुजर रही होती है, उससे लड़ने की जो उनका जो हौसला है वो और पस्त हो जाता है। अच्छा, पुकार 15 की इंचार्ज रही है अब सियालकोट में, और सारे वहाँ पे मेल डोमिनेंसी ज़्यादा थी, एक अकेली लड़की का जाना और फिर अपने आप को प्रूफ करना कि मैं जो है मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, ये कितना मुश्किल था? बिल्कुल, जब आप घर से निकलते हो, फीमेल के लिए घर से निकलना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है, और अपने आप को सिक्योर रखना बाकियों से, बाकियों के कमेंट से, बाकी इन्वायरमेंट से। आप किसी भी इन्वायरमेंट में जाते हैं तो कभी इन्वायरमेंट आपको एडजस्ट नहीं कर रहा होता, कभी आप उसमें एडजस्ट नहीं हो रहे होते। लाइक एक फीमेल है, उसने जिसे कहते हैं कि मैं सियालकोट में काम करके आई हूँ, वहाँ तो पूरी पंजाब पुलिस मतलब थी, बॉयज़ थे, ठीक है, जेंट्स थे सारे, और मुझे वहाँ पर काम करना था, तो
मैंने वहाँ पे इस चीज़ को प्रूव किया कि बीइंग अ फीमेल भी जो है ना यहाँ पे काम हो सकता है. आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी है ना, तो मुझे जो भी टास्क मिलता था मैं उस टास्क को कम्प्लीट करती थी. सिद्रा, आपने बीइंग ए वुमन सियालकोट में सारी जिम्मेदारियों को संभाला, बड़े अच्छे से पूरा किया उसको. इसके अलावा आपको कुछ सर्टिफिकेट्स भी मिले थे डीपीओ साहब की जानिब से, उनके बारे में हमें बताइए कुछ. डीपीओ साहब मुझे टास्क असाइन करते थे. ठीक है. लाइक वहाँ पे उन्होंने एक इनिशिएटिव ये लिया था, फीडबैक सेल उन्होंने वहाँ पे बनाया था. अब फीडबैक सेल का काम ये था कि हम पर्सनली हर बंदे को कॉल करते थे, मतलब फीडबैक लेने के लिए. जिसने 15 पे कॉल की होती थी एक दिन पहले, 24 आवर में उसका फीडबैक लेते थे. आया कि पुलिस स्टेशन में जाके अपनी रिपोर्ट जो है वो करवाई है, पुलिस वालों का उनके साथ रवैया कैसा था या उनके केस को प्रोसीडिंग मिल रही है, वो उस बेस पे था. एक ये इनिशिएटिव था वहाँ पे. फिर वहाँ के 64 शहदाज की फैमिलीज थी, उनके साथ डेली बेसिस पे कांटेक्ट रखना कि उनके घर में कोई इशू तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी की शादी तो नहीं अभी होने वाली, किसी की डेथ तो नहीं होगी. हमारे डीपीओ साहब पर्सनली बीइंग अ फैमिली मेंबर उन्हें जाके ट्रीट करते थे वहाँ पे. अच्छा अच्छा. अब उनकी काविशों के साथ मुझे भी मौका मिला था कि मैं भी अपनी जो जिम्मेदारी है उसका वहाँ पे थोड़ा सा रोल प्ले कर सकूँ, मुझे भी जो है ना लोगों की खिदमत करने का मौका मिले. तो ये मेरे लिए, मैं तो उस काम को कर रही थी, मेरी एफर्ट्स को उन्होंने सराहा था. आपने OMC में एक केस पकड़ा, बड़ा हीनियस केस था, जिसमें इलीगली वेपन का इस्तेमाल कर रहे थे कुछ लोग, गाड़ी में लेकर जा रहे थे. उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह से आपने उसको ट्रेस किया, किस तरह से देखा और आपने वहाँ पर पुलिस को भेजा. रमज़ान था और तकरीबन मगरिब का टाइम था, 5 बज के समथिंग कुछ टाइम था. 4x4 व्हीकल जो एक गाड़ी जो है ना आके कचहरी के सामने पार्क हुई है. अब उसमें ये था कि वो काफ़ी देर से वहाँ पे पार्क थी. आई थिंक मुझे यही लगा कि ये शायद किसी का वेट कर रहे हैं, ये ड्राइवर हजरात हैं, शायद किसी का वेट कर रहे हैं, किसी को पिक करने आए हैं. लेकिन उस आप जब देखते हैं ना कि आप कैमराज में मोस्टली यही देखते हैं, कोई अबंडेंट एलिमेंट्स है, लाइक कोई सस्पिशियस एक्टिविटी आप नोट कर रहे हैं. फिर उस चीज़ पे हम लोग पुलिस डिस्पैच करते हैं चेक करने के लिए कि आया कि हमारा शक ठीक है या हमें वैसे ही फील हुआ. अब एक उस गाड़ी का ये था कि लाहौर में जितनी भी गाड़ियाँ चलती हैं उनके जो व्हील्स हैं वो इतने गंदे नहीं होते, वो किसी बाहर से आई थी, किसी गांव टाइप एरिया से, ये किसी गंदी जिसे कहते हैं ना, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन थी उस टाइम. उसकी गाड़ी के जो टायर थे वो काफ़ी गंदे थे, खस्ता थे. और जिसके पास भी 4x4 व्हीकल हो और वो उसको साफ ना रखता हो, ये कहाँ से, मतलब कहाँ की बात है. और दूसरा उसमें ये था कि वहाँ पे अंदर जो दो लोग बैठे हुए थे, एक आगे था और एक पीछे बैठा हुआ था. आपकी गाड़ी में कोई चीज़ ड्रॉप होती है आपके हाथ से, तो आप ये आप ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकी है कि आप गाड़ी की लाइट ऑन करेंगे और उसके बाद नीचे कोई चीज़ तलाश करेंगे. उनके पास कोई लाइटर था या उनके पास कोई मोबाइल था, टॉर्च टाइप कोई चीज़ थी, उससे वो चीज़ सर्च कर रहे थे. वो गाड़ी की लाइट शायद इसलिए नहीं ऑन कर रही थी कि उनके फेस जो है ना वो कोई रिकोगनाइज ना कर ले. तो मुझे ये दो चीज़ें थी जिनसे मुझे शक पड़ा कि मतलब कि कुछ यहाँ पे है, कुछ ऐसा है. तब वहाँ पे PRU फोर्स काम कर रही थी, 1-8 और डॉल्फिन थी 1-3. अच्छा, अभी तक आपको याद है. मुझे ये चीज़ याद है और मैंने उनको जो है ना ये अनारकली की थी, उनको डिस्पैच किया वहाँ पे. PRU ने मुझे फर्स्ट रिस्पोंडर थी वो, उसने मुझे जो है ना वो रिस्पॉन्स किया विद इन 3-4 मिनट्स जो है वहाँ पे पहुँच गई थी. राइट. उन्होंने उनको चेक किया, गाड़ी चेक की, गाड़ी पीछे चेक की. और जब आप ये ना, ये भी एक ह्यूमन साइकी है कि जब आपने कुछ गलत किया होता है ना आपके फेस एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. तो वो थोड़े घबरा गए थे, उनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं थी, उनके पास जो असला था उनके पास वो भी कोई जो है रजिस्टर्ड नहीं था कहीं पे, कोई चीज़ उनके पास ऐसी नहीं थी कि वो जो उनकी रिकोगनाइज उनको कर सके कि ये कौन लोग हैं. फिर पुलिस डिस्पैच की, थाने से जो है ना वो गाड़ी आई, उनको लेके गई. वो बाद में पता चला कि वो किसी ऐसी एक्टिविटी के लिए आए थे, मतलब कुछ बड़ा करने मर्डर करना था या कुछ इस तरह करना था. वो जो है ना टाइमली जो है ना रिस्पॉन्ड करने पे वो पकड़े गए. अच्छा सिद्रा, इसके बाद लिए टाइम में क्या करती हो अपने आप को माइंड फ्रेश करने के लिए? 24/7 जॉब है, रात को भी जब जागना पड़ता है. तो सही बात है, इंसान का मेंटली हेल्थ और फिजिकली तौर पर हेल्थी होना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए क्या करती हो? हमारा यहाँ पे जो डिपार्टमेंट में हम काम करते हैं, लाइक हमारा 8 घंटे की अगर एक शिफ्ट है तो हमारा 8 घंटे जो यहाँ पे बिजी जाते हैं. मेंटली वर्क भी करना पड़ रहा है आपको, फिज़िकली भी वर्क करना पड़ रहा है. उसके अलावा मैं खुद स्टडी भी कर रही हूँ, मैं UET से डिग्री कर रही हूँ, MPhil कर रही हूँ वहाँ से. तो अभी थीसिस वर्क भी मेरा चल रहा है, वो काम भी साथ चल रहा है. लेकिन आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कर रही हैं? जी बिल्कुल, मैं कंप्यूटर साइंसेस में कर रही हूँ. और मेरा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो थीसिस है वो इसी पर ही है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई सिक्योरिटी को जो है ना वो अटैक करता है तो कैसे करता है. और
इसको सिक्योर कैसे बनाना है, उसी पे एक मॉडल डिज़ाइन कर रही हूँ। okay. अच्छा, तो फ्री एक्टिविटी मेरी ये होती है कि अगर लाइक मेरी नाइट शिफ्ट है तो मॉर्निंग में जाके मैंने जब रेस्ट किया, उठ के थोड़ी देर के लिए नाश्ता करने के बाद मैं साइकिलिंग करती हूँ। साइकिलिंग करती हूँ, उससे ये कि जो आपका मेंटल स्ट्रेस है वो आपकी स्टडी की वजह से है, आपकी रूटीन की वजह से है, और वैसे भी आप कोई भी इंसान है लाइफ में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें इंसान के साथ चलती रहती हैं। तो ये मेरी एक्टिविटी जो है ये मैं खुद को बूटअप करने के लिए मैंने जो है ना वो रखी हुई है कि मैं जो मेरा स्ट्रेस है, रूटीन स्ट्रेस है, या तो साइकिल चलाना सीधा थोड़ा मायूब समझा जाता है ना कि लड़की साइकिल चला रही है, खातून साइकिल चला रही है और फिर आप रोड पे चला रहे हो, तो कैसा फील होता है आपको? मायूब समझना तो ये हरी वो कहते हैं ना कि पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। बिल्कुल, अगर आप इसी हर कोई भी चीज़ है ना उसके दो रुख हैं, पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है। आप अगर इसके पॉजिटिव इफेक्ट देखें तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, नेगेटिव नेगेटिव बहुत कम है। किसी भी आप सिनेरियो में चले जाएंगे ना तो उसके पॉजिटिव इफेक्ट ज्यादा होंगे, नेगेटिव बहुत कम होंगे। चलिए सिद्रा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, हमारे साथ ही सिद्रा और सिद्रा की अचीवमेंट्स को देख के तो हम हैरान ही हो गए हैं कि सिद्रा की अचीवमेंट्स को देख के अब हमें भी लगता है कि हमें मेहनत से काम करना चाहिए। हम सबको मेहनत से काम करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आपने हमें फेसबुक पे फॉलो करना है, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है, और इसके अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। सेफ रहें, सेफ सिटी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।